नमस्कार। उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सचिवालय के विश्वकर्मा भवन स्थित रेवचंद्र गढ़वाली सभागार में बैठक का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मुख्य सचिव के साथ साथ सरकार के आला अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सतर्कता सप्ताह के अंतर्गत भ्रष्टाचार का विरोध करें राष्ट्र के प्रति समर्पित रहे कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी अधिकारियों को भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विजिलेंस के साथ साथ सभी अधिकारियों का दायित्व है कि वे अपने विभाग में किसी तरह का भ्रष्टाचार न होने दें। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है और इस देवभूमि से पूरे देश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई का एक अलग संदेश जाता है। क्या कर सकते हैं, सतर्कता जागरूकता सप्ताह हर साल मनाया जाता है, ये 30 अक्टूबर से लेकर 7 दिन का। तो इस पे हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो भी हमारे जनता है, जो भी सिविल सोसाइटी के हैं, सभी को एक जागरूकता पैदा करना है। और उस पे आज ने हमने सीएम साहब ने प्रतिज्ञा सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा भी दिलाए सभी को। ये सभी नागरिक का भी बात है, मैं रिश्वत दूंगा ना लूंगा और ना उसे सूचना आता तो मैं उचित एजेंसी को हम सूचना देंगे। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने रुड़की पहुंचकर प्रेस वार्ता की। इस दौरान बात होते हुए नरेश बंसल ने बताया कि प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संकल्प लिया है कि प्रदेश 2025 तक देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो जाएगा। हमारी सरकार ने नकल कानून और जबरदस्ती धर्मांतरण पर कानून भी बनाया है और प्रदेश के सीएम प्रदेश में 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्ट लाने के भी प्रयत्न कर रहे हैं। वहीं रुड़की विधायक प्रदीप ने कहा कि धामी सरकार लगातार विकास कार्य कर रही है, प्रदेश और देश विदेश में प्रदेश में धामी सरकार इन्वेस्टर ला रहे हैं। यूनिवर्सल सिविल कोड के श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने भी विकल्प रहित संकल्प किया कि 2025 में जब भारत का यह अलग हुआ राज्य 25 वर्ष का नौजवान राज्य होगा तो देश के अग्रणी राज्यों में होगा। इसके लिए उन्होंने विकल्प रहित संकल्प लिया कि हम इसको आगे बढ़ाएंगे। उसी में जहां बड़े बड़े काम हुए हैं, नकल विरोधी कानून हमने बनाया, देश का सबसे लोकप्रिय कानून है, जबरन धर्मांतरण पर हमने कानून बनाया, यूनिवर्सल सिविल कोड पर सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष रंजना देसाई जी की अध्यक्षता में जो सुप्रीम कोर्ट की जज रही है समिति बनी है जिसकी रिपोर्ट आने वाली है। धामी सरकार, धर्म रक्षक धामी की सरकार लगातार विकास की ओर बढ़ रही है और लगातार व्यवस्था भी पूरे भारत में सबसे ज्यादा काम हमारे धामी जी कर रहे हैं और अभी इन्वेस्टर समिट होने जा रही है, उसके लिए लगातार लंदन जाकर और दुबई जाकर और चेन्नई जाकर जो इन्वेस्टमेंट लेकर आए हैं, मैं उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री को बधाई देता हूँ। और उसके अलावा हमारे जो प्रदेश में बिल पास हो रहे हैं और जो कानून बन रहे हैं लगातार उससे प्रदेश भी एक विकास की ओर बढ़ रहा है और भ्रष्टाचार का जो हमने नारा दिया था कि भ्रष्टाचार को खत्म किया जाएगा, वो लगातार हम लोग खत्म कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के उपाध्यक्ष शिव सिंह बिष्ट पहली बार अल्मोड़ा पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने फूलमालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया है। पहुंचने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री और केंद्रीय संगठन का वो आभार व्यक्त किया है और कहा कि पीएम जीएसवाई विभाग पहाड़ की लाइफलाइन है, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के लिए पूरी निष्ठा से वो कार्य करेंगे। साथ ही कहा कि सड़कों के लिए उन्होंने प्रस्ताव भेजे हैं, गांव को सड़क से योजना के लिए हर प्रयास करेंगे। तो खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर अल्मोड़ा से शिव सिंह बिष्ट अल्मोड़ा दौरे पर पहुंचे और सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। साथ ही कहा कि सड़कों का जाल बनाया जाएगा और ग्राम सभाओं को भी और ग्रामीण क्षेत्रों को भी सड़कों से जोड़ा जाएगा। इससे बहुत ही सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में अपने पूरा संगठन का आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में तमाम हमारे पूर्व अध्यक्ष जी सहित सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, सभी कार्यकर्ताओं का, और विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ अपने प्रदेश के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने मुझे आदर पुष्कर सिंह धामी जी का जिन्होंने मुझे सरकार में ये दायित्व निभाने का मौका दिया। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि जो विभाग मुझे मिला है वो विभाग कहीं ना कहीं इस पहाड़ की लाइफलाइन है और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जो हमारे जो गाँव वंचित रह गए, क्योंकि 250 की आबादी तक के गांव समस्त गांवों को हमने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जोड़ने का काम अभी तक किया है।
उत्तराखंड सरकार में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के उपाध्यक्ष शिव सिंह बिष्ट पहली बार अल्मोड़ा पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने फूलमालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान तलवार उन्हें भेंट की गई। कार्यक्रम में पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा समेत बीजेपी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि केंद्रीय नेतृत्व एवं प्रदेश की धामी सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत कार्यकर्ते ग्रामों में लोगों को लाया जाएगा। साथ ही कहा कि यातायात सुचारू न होने से लोग बाहर की ओर पलायन कर रहे हैं। सरकार पलायन रोकने के लिए सरकार अथक प्रयास में जुटी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो मन की बात का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के निमित्त गढ़ी नेगी में सवेरे मेरा उस मन की बात का कार्यक्रम को मुझे गढ़ी नेगी में सुनना था। उसी के निमित्त आज मैं काशीपुर में भी पहुंचा हूं और निश्चित रूप से मैं अपने प्रदेश के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझ पर और मेरे पर विश्वास जताते हुए कहीं ना कहीं समय में एक सरकार में एक अहम जिम्मेदारी दी। मैं मानता हूं कि मैं कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूं और कार्यकर्ता होने के नाते यहां आज कार्यकर्ताओं के बीच में काशीपुर में हूं। चुगन भाई पीछड़ो, सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में मंत्रिमंडल की एक अहम बैठक की गई। बैठक में 30 अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी। हालांकि इस बैठक में मंत्री सुबोध उनियाल और रेखारिया मौजूद रहे, जबकि कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, गणेश जोशी और प्रेमचंद अग्रवाल विदेश दौरे पर हैं, जिनके चलते वो बैठक में शामिल नहीं हो पाए। कैबिनेट बैठक में मुख्य फैसले ग्राम विकास विभाग सहायता लेखागार के पद बढ़ाए गए और कई अहम फैसले इसमें लिए गए। आज की कैबिनेट में अगला जो डिजास्टर मैनेजमेंट का मत था, आप जानते ही हैं कि ये छठी वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट उत्तराखंड में देहरादून में होने जा रही है दिसंबर में। इसके लिए जो बजट, क्योंकि स्टेट इसको स्पॉन्सर कर रही है और इसके लिए 8.9 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया। पौड़ी जिले में प्रादेशिक शिल्पकार कल्याण समिति द्वारा जिला पंचायत सभागार में समिति के संस्थापक सदस्य और पूर्व कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हीरालाल टमटा की जयंती को शिल्पकार एकता दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि शैली शिल्पी विकास समिति कोटद्वार के अध्यक्ष विकास कुमार आर्य और विशिष्ट अतिथि पूर्व अध्यक्ष शिव कुमार समेत तमाम लोग मौजूद रहे। इस मौके पर समिति और अतिथियों की मौजूदगी में सामाजिक सरोकारों के लिए समर्पित एक व्यक्तित्व हीरालाल टमटा एक संघर्ष कथा पुस्तक का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम में स्वर्गीय हीरालाल टमटा के परिवार के सदस्यों को भी सम्मानित किया गया। शिल्पकार समाज के पुरोधा हीरालाल टमटा जी की 92वीं जयंती के अवसर पर मंडल मुख्यालय पौड़ी में हम लोग एकत्रित हुए हैं और हीरालाल टमटा जी की जयंती आज मात्र सिर्फ पौड़ी में ही नहीं, कोटद्वार, हरिद्वार, देहरादून, अल्मोड़ा, चमोली, हर जगह लोग उनको याद कर रहे हैं, क्योंकि हीरालाल टमटा जी जो है इस समाज के एक हीरा समान व्यक्ति थे और उनके संघर्षों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला हमें देखने को मिलेगी अगर हम खोजेंगे तो। स्वर्गीय हीरालाल टमटा जी की आज 92वीं जयंती है और हम लोगों ने पिछले काफी समय से ये प्रोग्राम बनाया था कि बड़े धूमधाम से हम हर्षोल्लास के साथ हम हीरालाल जी की जयंती 92वीं जयंती को मनाएंगे। काफी उत्साह से हम यहाँ पे सबको हमने इकट्ठा किया या हमारे जो ये प्रादेशिक शिल्पकार कल्याण समिति के फाउंडर मेंबर त्यागी जी हैं, आज हमने उनको मुख्य अतिथि बनाया। उनके 92वीं जो है कि वर्षगांठ पर और उनका आज मतलब जो है कि स्वर्गवास हो चुका है, आज मतलब जो है कि उनकी जयंती के रूप में शिल्पकार एकता मतलब जो है के रूप में उनको हमने मतलब जो है कि श्रद्धांजलि दी है और इस संबंध में ये कार्यक्रम था। आज मुख्य उद्देश्य हमारा इस संगठन का था कि जब उत्तराखंड आंदोलन शुरू हुआ
ये जो है कि आरक्षण विरोधी आंदोलन से शुरू हुआ। हमें मतलब जो है कि पीड़ा हुई कि जो है कि आरक्षण विरोधी मतलब आंदोलन है अभी, मतलब जो है कि हमें सिर्फ 8% जो है कि आरक्षण मिल पा रहा है। बसपा विधायक शरबत करीम अंसारी का पार्थिव शरीर मंगलोर पहुंचा, जहां उनके अंतिम दर्शन के लिए जनसैलाब उमड़ा। बसपा के वरिष्ठ नेता विधायक शरबत करीम अंसारी का सुबह दिल्ली के अस्पताल में उपचार के दौरान निधन हुआ। उन्हें उपचार के लिए कई दिन पहले दिल्ली से एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर उनका उपचार चल रहा था, लेकिन आज सुबह उपचार के दौरान उनका निधन हो गया है। उनके पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस से दिल्ली मंगलोर स्थित उनके आवास पर लाया गया है। इस दौरान उनके समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। विधायक के अंतिम दर्शन करने के लिए रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा, लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद, कलियर से फुरकान विधायक व भगवानपुर से वरिष्ठ बसपा नेता सुबोध राकेश भी उनके आवास पर पहुंचे। रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने विधायक के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि शरबत करीम अंसारी एक अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे। वहीं भगवानपुर से बसपा के वरिष्ठ नेता सुबोध राकेश ने कहा कि क्षेत्र के लिए ही नहीं बसपा के लिए भी एक बड़ी क्षति है, जिसकी भरपाई अब कभी नहीं हो सकेगी। मुफ्तीश अमूम कासमी ने कहा कि अगर मंगलोर विधानसभा के लोगों के साथ साथ हम सभी के लिए एक बड़े दुख की घड़ी है। विधायक शरबत करीम अंसारी अपने अच्छे स्वभाव और लोगों की खिदमत करने के लिए जाने जाते थे। बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की बात है हमारे साथी मंगलौर के विधायक शरबत करीम अंसारी जी का आकस्मिक निधन हुआ और बहुत गहरा शोक है। विधानसभा क्षेत्र में भी काफ़ी लोगों को दुख हुआ उनके जाने से। बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बहुत सेवा करते थे और अपने काम में हमेशा तत्पर रहते थे। बड़ा दुख का विषय है और वास्तविकता ये है कि ये इस क्षेत्र के लिए नहीं, बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति निश्चित रूप से है, क्योंकि हमारे बड़े भाई करीम अंसारी जी एक जुजारू नेता थे और जनता से जुड़े हमेशा व्यवस्था उनकी रही है, लोगों के सुख दुख में शामिल हमेशा रहे हैं। जनता में एक अलग ही उनके लिए लगाव था, प्यार था, मोहब्बत की हुई है जनता ने, मंगलोर क्षेत्र की जनता ने दिखाया भी है। मंगलौर विधायक हाजी शरबत करीम अंसारी के देहांत पर कांग्रेस प्रवक्ता शिषपाल बिस्ट ने शोक प्रकट करते हुए कहा कि इस क्षति की पूर्ति नहीं की जा सकती। दिवंगत की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने के साथ कहा कि हाजी शरबत करीम अंसारी काफी संघर्षशील नेता थे और लोगों के बीच काफी लोकप्रिय थे। उन्होंने हाजी शरबत करीम अंसारी के परिजनों और शुभचिंतकों को सांत्वना भी दी। आपको बता दें कि हाजी शरबत काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। दिल्ली में इलाज के दौरान विधायक की मृत्यु हो गई थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से विधायक के देहांत पर शोक व्यक्त किया। हेलो, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद समाचार है कि हमारी विधानसभा के वर्तमान सदस्य शरबत करीम अंसारी जी अब हमारे बीच में नहीं रहे। वो लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे और अंतोगत्वा वो बीमारी के सामने हार गए। ये बहुत ही दुखद क्षण है। इस दुखद क्षण में कहने के लिए शब्द नहीं है। मैं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि उनके परिजनों और समर्थकों को इस दुख की घड़ी में सहन शक्ति प्रदान करे और इस दुख की घड़ी से वो बाहर निकल सकें। जानकारी है कि नहीं? हेलो, देहरादून से आपकी खबर बता रहे हैं, जहां पर बसपा विधायक शरबत करीम अंसारी के निधन के बाद अब दूसरी पार्टियों के नेता भी उन्हें शोक उनके प्रति व्यक्त कर रहे हैं, साथ ही परिवार के लिए सांत्वना भी व्यक्त कर रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी शोक व्यक्त किया है। हाजी शरबत करीम के निधन पर यहां शोक व्यक्त किया जा रहा है। शिषपाल बिस्ट कांग्रेस नेता ने भी यहां पर शोक जताया है। बसपा के विधायक शरबत करीम अंसारी ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। वे 66 वर्ष के थे और लंबे समय से दिल की बीमारी से जूझ रहे थे। कुछ महीने पहले ही मुंबई में भी उनका इलाज हुआ था। सोमवार की सुबह शरबत करीम अंसारी ने आखिरी सांस ली, जिससे पूरे कस्बे और आसपास के इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष और
जबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाति ने कहा कि हाजी सरवत के निधन की सूचना मिलना बहुत ही दुखद है। उनके परिवार में 3 बेटे और 1 बेटी है। विधायक सरवत करीम अंसारी के पिता अब्दुल हमीद मंगलौर नगर पालिका के चेयरमैन भी रह चुके हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत प्रदेश के कई बड़े राजनेता और सामाजिक संगठनों ने विधायक सरवत करीम अंसारी के निधन पर शोक जताया है। शब्द समाप्त हो चुके हैं। अचानक ये खबर आई और मैं ये कहता हूं कि पता नहीं शायद देवभूमि उत्तराखंड को किसकी नजर लगी है। एक के बाद एक विधायक हमारे जा रहे हैं और शबरत करीम अंसारी साहब हमारे सर के ताज थे। मुस्लिम समाज में अपनी अलग पहचान रखते थे, संघर्ष करते थे, सादा जीवन था, सादगी भरा अंदाज था और मैं ये कह सकता हूँ कि उस सादगी के लिए जिसके लिए वो जाने जाते थे, आज शायद उनकी कमी सियासत में कोई पूरी ना कर सके। देखिए, बहुत ही दुखद घटना है। वो विधानसभा में हमारे साथी थे और मंगलौर से चुन करके वो बहुजन समाज पार्टी से हमारे साथी विधायक थे और जितनी भी बार मैं उनसे मिला, मैं हमेशा उनकी स्वस्थता को पूछता था और ऐसे में ही ये दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। ये हम सब के क्षेत्रवासियों के लिए बहुत दुख की बात है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें जन्नत नसीब करे और वो जहां कहीं भी हो सुखद हो। मंगलौर से 2 बार के बसपा कद्दावर नेता और विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी का दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया। उनके अचानक निधन से क्षेत्र में शोक की लहर है। हाजी सरवत करीम अंसारी ने जनसंपर्क प्रभारी रहे शाविकास चिश्ती ने बताया कि उनके परिवार में 3 बेटे और 1 बेटी है। उन्होंने बताया कि अंसारी के पिता अब्दुल हमीद मंगलौर के चेयरमैन भी रह चुके हैं। चिश्ती ने बताया कि गत 2 वर्षों से उनका इलाज दिल्ली में चल रहा था। कल अचानक उनकी तबीयत बिगड़ जाने पर उनको दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। काशीपुर में शराब माफियाओं पर पुलिस की तरफ से जंगल में की गई रेड के दौरान माफियाओं ने भागते वक्त पुलिस टीम को 2 मोटरसाइकिलों को आग लगाकर जला दिया, जिस पर कुंडा थाना में दर्ज मुकदमे के बाद पुलिस वाहन को जलाने वाले फरार शराब माफियाओं को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि 27 तारीख को ग्राम केसरी गणेशपुर स्थित जंगल में कच्ची शराब की भट्टियों को तोड़ने और कच्ची शराब बनाने वाले शराब माफियाओं के विरुद्ध अभियान चलाते हुए रेड की गई थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हरिद्वार में वैश्य बंधु समाज द्वारा आयोजित वार्षिक चुनाव संपन्न होने के बाद रविवार को नवनियुक्त कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में लक्सर के पूर्व विधायक संजय गुप्ता रहे। संजय गुप्ता ने अध्यक्ष महामंत्री समेत पूरी कार्यकारिणी को शपथ दिलाई। इस दौरान वैश्य बंधु समाज के सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। संजय गुप्ता ने अध्यक्ष और महामंत्री को बधाई दी। नवनियुक्त अध्यक्ष नीरज गुप्ता का कहना है कि वैश्य समाज के जो गरीब लोग हैं उनको रोजगार दिलाने का काम किया जाएगा, साथ ही सभी को साथ लेकर चला जाएगा। हमारी सबसे पहले ये रहेगा कि सबको साथ लेकर के, जो बड़े हैं उनका आशीर्वाद, जो हमारे सहयोगी हैं उनका सहयोग लेकर के और छोटे के सहयोग लेकर के हम लोग समाज को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य करेंगे। सर्वप्रथम जो हमारी श्री वैश्य बंधु लोहिया धर्मशाला है उसका जीर्णोद्धार हमारी प्राथमिकता रहेगा। दूसरा, जो हमारे समाज के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार हैं उनको ऊपर लाने के लिए हम लोग उनके लिए रोजगार का जो साधन है उसके लिए प्रयास करेंगे और उनको एक अच्छा जो है आजीविका का साधन देने का प्रयास करेंगे। देखिए, आज मुझे बेहद खुशी है सर्वसम्मति से नीरज गुप्ता जी को वैश्य बंधु मध्य हरिद्वार का अपने समाज का अध्यक्ष चुना गया है और उनका शपथ समारोह था और समाज के सभी लोगों ने यहाँ आकर उनको फूलमालाओं से स्वागत किया और समाज के प्रति
नीरज गुप्ता जी बहुत सजग हैं और बहुत ही संवेदनशील है। कार्तिक की शुरुआत भी है, कार्तिक का महीना। क्या दीदी आप भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा एसआरएस मॉल में उत्तराखंड राज्य सलाहकार श्रम संविदा बोर्ड के अध्यक्ष कैलाश पंत का वरिष्ठ बीजेपी नेता और पीसीयू चेयरमैन राम मल्होत्रा के साथ मिलकर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान अपने संबोधन में कैलाश पंत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है, पार्टी में कार्यकर्ता ही सर्वोपरि है, वे कार्यकर्ताओं के अनुरोध पर ही यहां आते हैं और स्वागत से अभिभूत हैं। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की अच्छी सोच से हम कार्य करते हैं और सत्ता में आते हैं। एक सवाल का जवाब देते हुए पंत ने कहा कि एक चुनाव के बाद कार्यकर्ता अगले चुनाव की तैयारी में जुट जाते हैं, यही वजह है कि बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीत कर एक बार फिर केंद्रीय सत्ता पर काबिज होगी। जो मुझे दायित्व मेरी सरकार ने दिया है, मैं अपनी सरकार का धन्यवाद करता हूं। बहुत अधिक संख्या में श्रमिक हैं अपने प्रदेश में भी, और उनकी जो भी समस्या है, जैसे कोई सुविधा भर हैं या जिनके स्वास्थ्य संबंधी अनेकों उनकी चीज़ें होती जो नहीं हो पाती, उनकी जो है वेतन संबंधित जो विसंगतियाँ होती उनको दूर करने का प्रयास करूंगा। और ऐसे जितने भी उनके हितों की के लिए चीज़ें हमारे सरकार ने तय की हैं और हितों का उनका उनको लाभ मिले उन चीज़ों का, ये मेरा प्रयास जारी। प्रदेश सरकार की तरफ से चलाई जा रही बुजुर्ग सहायता संबंधित हेल्पलाइनें लालकुआ में बेअसर दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि 62 वर्षीय किराना व्यापारी सुभाष यादव 19 अक्टूबर की दोपहर 12 बजे अपनी गोला रोड रेलवे फाटक स्थित किराना की दुकान के लिए घर से निकले थे, लेकिन न तो दुकान पहुंचे न ही घर, जिसके बाद परिजनों द्वारा उनकी काफी खोजबीन भी की गई लेकिन कोई पता नहीं चल सका। वहीं पीड़ित परिवार कोतवाली से लेकर अधिकारियों की चौखट तक के चक्कर लगा चुका है, लेकिन पुलिस सिर्फ खानापूर्ति करने में लगी हुई है। जी वो 19 तारीख के मेरे पिताजी 12 बजे से गायब है, बाकी सब किसी ने सबसे पूछा गया, किसी ने पुलिस थाने में रिपोर्ट भी लिखाई गई, कुछ भी वहाँ से भी कोई, बस ये कहा जा रहा है मैम हम क्या कर सकते हैं, ना उनके पास मोबाइल है। अब आप ही लोग बताइए, मोबाइल उनके पास ही, पहले के लोग खोजबीन करते नहीं थे किसी की, आज की पुलिस इतनी लापरवाही क्यों कर रही है बताइए। जब उनसे पूछा जा रहा है तो मैम हम क्या कर सकते हैं, सीधे यही बोल दिया जा रहा है। अब हम लोग को भी इतनी शंका, इतना डर लग रहा है कि पापा हमारे कहाँ होंगे, कैसे होंगे। और 19 तारीख से वो गायब हैं, दिन में 12 बजे से घर से दुकान के लिए निकले थे, लास्ट उनको स्टेशन में देखा गया है उसी दिन। उसके बाद खूब खोजदानी करने के बाद, ढूंढने के बाद थाने में गुमशुदी की रिपोर्ट कराई है, तब से अभी तक कोई खबर नहीं है, थाने वाले भी कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं। और मैं 2-3 बार जा चुका हूँ और मुझे दिन पे दिन डर लग रहा है, 10-11 दिन पूरा परिवार सदमे में है। माता जी मेरी पहले इस बार हो गई हैं, पिताजी खो गए हैं, तो सर कोई काम धाम कोई नहीं, मैं माइंड भी वैसे डिस्टर्ब हूँ। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।